हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं घर अपने, मतलब कि अपने होम टाउन। और ये हमारे साथ मनीषा जी बैठी हुई हैं, अपने अप्पा को देख रही हैं। ये देखिए, और अभी हम हैं एक्सप्रेस वे पे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलूं, भूख लग रही है बस बड़ी तेज। खाना खाएंगे, रुक के अभी ये उतर जाए एक्सप्रेस वे से, उसके बाद खाना खाएंगे। अभी वो सोच में है कि मैं क्या करूं, कैसे कोई चीज करके परेशान करूं अपनी अम्मा को। सो फाइनली अभी हम एक्सप्रेसवे से उतर चुके हैं और अब हम खाना खाने जाएंगे। वरीषा को भूख लगी है, हाय कर रही है। वरीषा बुला रही हो? किसे बुला रही हो? कम यार, चलिए चल के खाना खाते हैं। बिल्ली तो फाइनली अभी हमने खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अपने पेट भर गया, नींद आ रही है सुकून से। बस ये है कि जल्दी से घर पहुंच जाएं, फिर आराम करेंगे। आराम भी तो कहाँ करूँगा, मेरा ऑफिस है। ऑफिस ओपन करके बैठ जाऊँगा मैं, क्योंकि इनका डायपर चेंज करा था और आज इनके वैक्सीन भी लगी है ना, 10 मंथ की। ये बेचारी के आज सो चुकी हैं और अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय पीना तो ज़रूरी है ना। वो खड़े हैं वहाँ चाय का वेट कर रहे हैं। जब मैडम सो जाती है ना तो बड़ा सुकून सा मिलता है, कूदा भाती नहीं करती है। क्योंकि गाड़ी में कूदती है ना तो ऐसा डर लगता है कि ब्रेक लगे तो आगे उसके लग जाए, कभी कुछ लग जाए इसलिए। और सर तो उसका दरवाजे में बहुत टकरा जाता है, पर जब अपने खेल में होती है तो उसको कुछ नहीं पता चलता। पी रहे हैं चाय पीने का ब्रेक, चाय ब्रेक, क्योंकि बिना चाय के तो ये रह ही नहीं सकती। सही होती है ना। यहाँ पे वरीषा तो सो गई है और ये मैडम भी चाय पी रही है। हाँ गर्म नहीं, ठंडी हो के चाय पी जाती है, चाय गर्म ही पी जाती है, कोल्ड टी थोड़ी है। जला लो। अब हम पहुँच गए हैं, है ना वरीषा? हम अपने घर पहुंचने वाले हैं बस 5 से 10 मिनट में। और वरीषा को देखिए, ये सो के उठ गई हैं। अब सो के उठने के बाद इनका फिर कूदी खानी शुरू हो चुकी है। ऐसे कर दो, कम हियर कम हियर। कितनी खुशी होती है इसको हम लोग को देखने में। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बस पहुंचने ही वाले हैं घर पे। अब जाके मेरे को तो ऑफिस लॉगिन करना है, तुम आराम करना है ना मनीषा? और गाड़ी तो ड्राइव करी नहीं तुमने बिल्कुल भी, मैं ही ड्राइवर बना हुआ हूँ। बच्ची को संभाल नहीं तो बच्ची मैं भी संभाल लूंगा। बैठ लेके बैठ नहीं पा रहे उसने, वो कौन तो बैठ रही है। वहाँ पे हम घर पे आ चुके हैं, हमने चाय वाय पी लिया और सुम्बुल को काम पे लगा दिया है टेबल खाली करने के लिए, कि सिस्टम के लिए टेबल खाली करो। और यहाँ पे वरीषा बैठी है, मज़े से काम कर रहे हैं।
आ जाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ। कम हियर, कम हियर। भूख लग रही है मनीषा को। और लोला मेला बच्चा, ये मनीषा का जबरदस्ती का नाटक हो रहा है ना, जबरदस्ती नाटक दिखा रही है अपनी। हाय, गुड मॉर्निंग। अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं वॉक कर रही हूँ। इस टाइम हो रहा है 7:30 मॉर्निंग का और मैं अभी वॉक कर रही हूँ। 30-40 मिनट में वॉक करती हूँ, उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे। तो ये व्लॉग अभी कंटिन्यू है, देखते हैं इसका एंड कब करते हैं। अब मैं यहाँ से लिफ्ट में जा रही हूँ और यहाँ पे हम इसको भी पढ़ना है उसके साथ। कैसे चिपकी गाड़ी है, पढ़ने दो वरीशा उसको। वहाँ अपनी नानी जान के पास बैठी हुई है, मतलब लेट के खेल रही है, और उसकी खाला भी है। उसके अलग ही मजे हैं यहाँ पर आके। और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा पेन है। मेरा जो विजडम टूथ है वो थोड़ा गलत आ रहा था और वो अब निकल नहीं रहा है, तो उसको चेक कराने जा रहे हैं। हो सकता है वो निकले, वो अब फाइनली निकलेगा ही। बहुत टाइम से मेरे पेन है और अब कल से तो और ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया, तो अब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और यहाँ पर डॉक्टर ने मुझे एक्सरे के लिए भेजा था, तो यहाँ मेरे फुल माउथ का एक्सरे हो रहा था। तो ये फैसल ने वीडियो बनाई है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही हूँ। और यहाँ पर इसके बाद एक्सरे के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के मेरा ट्रीटमेंट ही बताया था कि जिसमें मेरा दांत बाहर निकलेगा और थोड़े स्टिचेस वगैरह लगेंगे। एक्चुअली ना मेरे एक्सरे में दांत जो आया था ना टेढ़ा आया था, बिल्कुल हड्डी के अंदर था, इस वजह से। व्हाट आर यू डूइंग? वरीशा क्या कर रही हैं अभी खोलने की कोशिश? यहाँ तो इसने उधम मचा दिया है, किचन में चाबी वाबी निकाल के खड़ी हो गई है। क्या कर रही हो इससे? करो खाला जान को परेशान अपनी। और यहाँ पर मैं रात के टाइम पे क्लिनिक में आ गई थी क्योंकि मुझे रात को ही बुलाया था, मतलब शाम के टाइम पर, जिसमें मुझे 3 आवर लग गए थे क्योंकि मेरा जो टीथ था ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसकी वजह से वो निकल नहीं रहा था। वो निकल तो रहा था बट वो थोड़ा अंदर चला गया था क्योंकि वो हड्डी में फंसा हुआ था ना, तो जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी बोन भी काटी थी और स्टिचेस वगैरह लगे थे। इसके बाद फाइनली मैं घर चली गई थी पूरे 3 आवर्स बाद। ये लड़की अपना मुंह करा के आ गई और डॉक्टर ने इसके मुंह पे दे के मारा है हाथ, इसका मुंह सूज गया इधर से। ऑपरेशन ही नहीं करवा रही थी अपना, ये दाढ़ी नहीं निकलवा रही थी, दो मुंह लगा एक कस के, सो मुंह लटक गया इसके। आइसक्रीम खाने को बोला उन्होंने। कुछ कह रही हो? ये लड़की अपना मुंह करा के आ गई और डॉक्टर ने इसके मुंह पे दे के मारा है हाथ, इसका मुंह सूज गया इधर से। ऑपरेशन ही नहीं करवा रही थी अपना, ये दाढ़ी नहीं निकलवा रही थी, दो मुंह लगा एक कस के, सो मुंह लटक गया इसके। आइसक्रीम खाने को बोला उन्होंने। कुछ कह रही हो? जैसा आपको दिखाया था इसका ऑपरेशन हुआ है डाढ़ का, विजडम टूथ का, और अभी इनके टाके भी लगे हैं उस जगह पे। अभी इन्हें आइसक्रीम खाने को बोला है तो आइसक्रीम खा रही हैं। 24 घंटे ऐसे ही ठंडा ठंडा इनटेक करना है, उसके बाद थोड़ा आराम मिलेगा।
24 घंटे बाद नमक के पानी से गरारे करने हैं। क्या बोला है, चिकन वकन खा लो? नहीं बोला, चिकन बिरयानी तो बोला था कि खा सकते हो। हम तो खाएंगे, तुम खाओ मत। और यहाँ पे मैं भी बटर स्कॉच खा रहा हूँ, इसी बहाने से मुझे भी खाने को मिल गई। और हम इस व्लॉग और इसी बहाने से मैं भी आइसक्रीम खा रहा हूँ। और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।